सर मुझे बहुत इंटरेस्टिंग लगा ये गेम। मैं चाहूंगी कि जब तक मैं 500 नहीं जीतूंगी तब तक मैं खेलती रहूंगी। और मुझे यकीन है कि अगर आप ऐसी खेलते रहोगे तो 500 रुपये तो जरूर जीत जाओगे। यस यहाँ आपको मैं आपको ये बताऊं कि हमारी बेस्ट स्टूडेंट है और वो महिमा गुनसोला। देखिए, सबसे इम्पोर्टेंट चीज़ ये नहीं है, ये एक एग्ज़ाम का पैटर्न है। और मतलब आप ये समझिए कि यहाँ पे अगर आप 60-70% जवाब दे देते हैं तो आप में दम है। 5 सवाल में 3 सवाल जवाब दे रहे हैं, मतलब दमदार हैं, 60 क्रॉस कर रहे हैं। और जहाँ पे आपको सोचने का मौका नहीं है, बस उसी वक्त आपको जवाब देना है। ठीक है, एग्ज़ाम के लिए तो प्रिपेयर्ड होके जाते हैं सब चीज़ है। फिर 6 सवाल में भी अगर 5 या 4 सवाल भी जवाब देते रहे तो बहुत बड़ी बात है, जीतना हारना अलग चीज़ है। और ये गेम है 8 सवाल का। 8 सवाल में 5 सवाल का अगर आप जवाब देते हैं तो 100 रुपये का इनाम है, प्राइज़ है। 100 रुपये हम यहीं पर रखते हैं और 8 सवाल आप लोग गिनेंगे सवाल नंबर। ठीक है, और हम शुरू करते हैं। महिमा तैयार है आप? यस सर। चलिए, पहला सवाल है, सिंधु नदी की सबसे बड़ी सहायक नदी है? ए सतलज, बी रावी, सी चिनाब। ए सतलज। तीन ही क्वेश्चन थे? नहीं, तीन ही नहीं है, चार ऑप्शन सने, सने सतलज, रावी, चिनाब, नर्मदा। ठीक है, तो बिल्कुल सही जवाब है ए सतलज। सिंधु नदी की सबसे बड़ी सहायक नदी कौन है? सतलज। बहुत सही जवाब है। नेक्स्ट क्वेश्चन देखते हैं, दूसरा सवाल। आप सवाल नंबर याद रखना है। दूसरा सवाल, दुनिया का सबसे व्यस्त बंदरगाह है? ए मुंबई, बी कांदला, सी शंघाई, डी न्यूयॉर्क। आप सिर्फ क्वेश्चन नंबर पे ध्यान रखिएगा। बंदरगाह मतलब जहाँ पे पोर्ट होता है, पोर्ट 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 को ही बोलते हैं बंदरगाह। सबसे बिजी पोर्ट कौन है दुनिया का? मुंबई, कांडला, शंघाई, न्यूयॉर्क। शंघाई, मुंबई भी बहुत ज्यादा है, शंघाई भी लग रहा है, रिस्क सी शंघाई। शंघाई। मुझे लगता है आपने सही उत्तर दिया होगा, मुझे भी लग रहा है शंघाई। शंघाई इज द राइट आंसर, वेरी गुड, बहुत बेहतरीन। तो 2 सवाल में 2 जीत चुकी हैं, आपको याद है ना। तीसरा सवाल, लग रहा है इस बार आप जीत के ही जाइएगा। मुझे तीसरा सवाल है, सर्वाधिक लवणीय सागर है? ए कैस्पियन सागर, बी वूलर्स झील, डी मृत सागर, डी सी मृत सागर, डी चिल्का झील। सबसे ज़्यादा लवण यानी सॉल्ट किसमें है? कैस्पियन सागर, वूलर झील, मृत सागर, चिल्का झील। डेड सी लग रहा है क्योंकि डेड सी में फ्लोट भी करते हैं लोग। डेड सी, सी डेड सी, डेड सी सागर। देखें, हमें लग रहा है बिल्कुल आपने सही जवाब दिया है, वेरी गुड। देखिए, ये किस्मत में आपके यही वाला था, बहुत सही जवाब। 3 सवाल का 3 जवाब इन्होंने बिल्कुल राइट दिया है। चौथा, इसमें तो इनको जीतना ही है। अरे हाँ, चौथा सवाल है, संगमरमर हेतु प्रसिद्ध मकराना क्षेत्र है? ए उत्तराखंड में, बी राजस्थान में, सी छत्तीसगढ़ में, डी मध्य प्रदेश में। मकराना। मकराना मतलब जहाँ संगमरमर के लिए मशहूर है, वो इलाका संगमरमर के लिए मशहूर है, वो कहाँ है? उत्तराखंड में है, राजस्थान में है, छत्तीसगढ़ में है, मध्य प्रदेश में है। राजस्थान। सही है, बी राजस्थान। बिल्कुल सही जवाब, वेरी गुड, बहुत बेहतरीन। देखिए, अब 4 में 4, yes, 4 में 4 लगातार, मतलब लगातार चौका हो रहा है। 4 में 4 सही हो गया आपका। 5वां सवाल, हालांकि 8 क्वेश्चन का है, 8 ही क्वेश्चन चलेगा इसमें। 5वां सवाल, धान का कटोरा नाम से प्रसिद्ध है? ए छत्तीसगढ़,
बी पंजाब, सी उत्तर प्रदेश, डी सिक्किम। से उत्तर प्रदेश। धान का कटोरा, धान, धान मतलब राइस, हाँ राइस, राइस धान, वीट का उत्तर प्रदेश है, धान का पंजाब सोच लो, क्योंकि उत्तर प्रदेश में तो सर वीट होता है ना, गेहूं होता है, वैसे चावल तो हर जगह होती है लेकिन ज्यादा गेहूं होता है उत्तर प्रदेश में। बी पंजाब लग रहा है, पंजाब, बी पंजाब। एक पे पहुंचना है ना सर, कर लेते हैं इस बार, देखते हैं, बी पंजाब लग, सोचते हैं। पंजाब, पंजाब गलत आंसर है, सही आंसर है छत्तीसगढ़। छत्तीसगढ़, आप सही बोल रही थी, छत्तीसगढ़ को धान का कटोरा कहा जाता है। हालांकि छोटा राज्य है लेकिन सबसे ज़्यादा कई बार उपज पे भी है, ऐसे तो चावल सबसे ज़्यादा बंगाल में होता है, ऑप्शन में ही नहीं है, पर धान का कटोरा बोला जाता है छत्तीसगढ़ को। ज़्यादा उपज की बात नहीं होती है, ज़्यादा प्रोडक्शन पर स्क्वायर या पर हेक्टेयर जो होता है ना, उसकी उसकी बात ज़्यादा होती है। तो क्या क्वेश्चन था ये पांचवा, में पांच में चार आपने सही किया है, मुझे उम्मीद है ये तो आप जीत ही जाएंगे, इसमें कोई बात नहीं है। छठा सवाल है इससे, तो आपने सिर्फ पांच क्वेश्चन में एक क्वेश्चन गलत किया है, छठा सवाल है, आठ क्वेश्चन में पांच सही करना है। श्री हरिकोटा किस राज्य में स्थित है? ए मध्य प्रदेश, बी कर्नाटक, सी आंध्र प्रदेश, डी छत्तीसगढ़। सी आंध्र प्रदेश, राइट देखें तो बिल्कुल सही जवाब है ये, श्री हरिकोटा आंध्र प्रदेश में है, और ये इनाम ये जीत चुकी हैं। छः क्वेश्चन में आपने पांच क्वेश्चन का सही जवाब दिया और ये 100 रुपये आपके नाम है, आप ये जीत चुकी हैं, लेकिन फिर भी आपको दो सवाल का जवाब देना है, ठीक है, तो उसके बाद आपको प्राइज दिया जाएगा। और क्या है नेक्स्ट, दो क्वेश्चन हम जल्दी से ले लेते हैं। भारत में हिमालय की सबसे ऊंची चोटी, सातवां सवाल, ए कंचनजंगा, बी अमरकंटक, सी शिवालिक, डी केटू। सही उत्तर बताइए, हालांकि आप जीत चुकी हैं 100 रुपया, इसका सही उत्तर क्या होगा? केटू। केटू ये भी सही जवाब है। अच्छा, के भारत में केटू, कंचनजंगा है सबसे ऊंचा, भारत का सबसे ऊंचा है कंचनजंगा, ठीक है, बहुत सही जवाब, इसमें आपने मिस्टेक कर दिया, इसको इस पे देखेंगे केटू का क्या है पोजीशन, ठीक है, केटू भी तो है ना, केटू भी तो भारत में हिमालय की सबसे ऊंची चोटी कंचनजंगा है, ये भी हमने पढ़ा है, हम अपनी बात बता रहे हैं, और दोनों पढ़ा है, बात समझ में आ रही है, केटू भी पढ़ा है, तो इसको थोड़ा कंफर्म करेंगे, ठीक है, दर्शक भी बताएंगे, और ये क्वेश्चन हमने बहुत ही ऑथेंटिक बुक से लिया है, तो गलत तो कोई भी हो सकता है, पर इसका सही जवाब कंचनजंगा है, आप ऑलरेडी जीत चुके हैं। आखिरी सवाल है, आठवां प्रश्न, ये भी बहुत महत्वपूर्ण सवाल है, आदम ब्रिज किनके मध्य स्थित है? आदम ब्रिज एडम कपूर कहलाता है, ए भारत एवं श्रीलंका, बी तमिलनाडु और श्रीलंका, सी केरल और भारत, डी श्रीलंका एवं जावा। सर ये भारत एवं श्रीलंका लिखा है इसमें, ए वाले को तमिलनाडु भी तो भारत में होता है, तो एग्जैक्ट बताना है, एग्जैक्ट बताना पड़ेगा, इसीलिए तो ऐसा है ना, केटू कंचनजंगा, इसीलिए हल्का हल्का कंफ्यूजन है। अब मान लो केटू में क्या होगा, मे भी मैं एक बात बता रहा हूँ कि थोड़ा सा नेपाल में चला गया और थोड़ा भारत में है, किस लेवल पे आंक रहा है ना क्वेश्चन, आदम ब्रिज भारत और श्रीलंका, सारे क्वेश्चन भारत में ही है करीब करीब, तो सही उत्तर तमिलनाडु व श्रीलंका, अगर ये इस बेस से पूछ रहा है कंट्री के बेस पे तब तो भारत व श्रीलंका होगा, अगर पर्टिकुलर स्टेट के उस पे है तो फिर तमिलनाडु व श्रीलंका। अब वही ऑप्शन के हिसाब से आपको उत्तर देना है ना, अब इसमें तो मेरे ऊपर भी नहीं है ऑप्शन, ये एग्जाम में आता है, बात समझ आई, अब मैं क्वेश्चन बनाने वाला नहीं हूँ, ये क्वेश्चन ऑलरेडी सेट है जो एग्जाम में आता है। एडम ब्रिज को इसे अंग्रेज ने सर नाम दिया था एडम,
आदि मानव का वैसे भी हाँ। जो जो राम जी ने बनाया था रामायण काल में, तो उस टाइम का है। अगर उस हिसाब से है तब एडम्स अगर पूरे इंडिया को हिसाब से ले रहा है तब तो भारत और श्रीलंका होगा, और वैसे ले रहा तो कौन सा उत्तर आप? भारत और श्रीलंका। भारत और श्रीलंका, चलिए मैं देख लेता हूँ। सही उत्तर ए है, बिल्कुल सही जवाब। आपने 8 में 6 सवाल का सही जवाब दिया है और आप सही में बहुत हकदार हैं, आपने बहुत बेहतरीन खेला। हालांकि आप तो 500 रुपया भी जीत सकती थी, लेकिन थोड़ा सा सर मिस्टेक हुआ है, तो आप 100 रुपये के विनर हैं। वहाँ से सर को थोड़ा उत्तर सर भट्ट जी और पवार जी, ये स्टूडेंट ना महिमा है, इन्होंने 3 गेम खेला आज। एक तो 500 का होता है, एक 200 का होता है, उसमें वो लूज कर गई थी, कोई बात नहीं। देखिए पहला गेम है 5 क्वेश्चन में, 5 क्वेश्चन जो जवाब देगा उसको 500 रुपया, और 6 क्वेश्चन में 5 क्वेश्चन। अच्छा, आपका बड़ा है वो गेम। हाँ, 6 क्वेश्चन में 5 क्वेश्चन, 6 क्वेश्चन में 5 क्वेश्चन जो जवाब देगा उसको 200 रुपया, ठीक है। और 8 क्वेश्चन में 5 क्वेश्चन का जवाब देने पे 100 रुपया तो महिमा को है। आप लोग ये राकेश भट्ट जी, लो महिमा आ जाओ, तुम भी हाथ लगा लो, आ जाओ। राजकिरण, हाँ ये बहुत खुशी की बात है। बात 100 रुपए की नहीं है, प्राइड की बात है, प्राइड और प्राइस ये चीज है। ये इतिहास गवाह है कि ये बहुत अच्छी स्टूडेंट है सर, और ये तो 500 रुपया जीतती, लेकिन यह है कि लक का भी रोल होता है। तो बहुत बहुत बधाई, बहुत बड़ी बात है ये, ठीक है। हाँ ठीक है, नहीं वापस वाला नहीं है ये, बहुत अच्छा है, इन्होंने बहुत इंटेलिजेंट स्टूडेंट है ये, बहुत बढ़िया। तो बहुत बहुत बधाई, क्या बोलना चाहोगे? सर मुझे बहुत इंटरेस्टिंग लगा ये गेम, मैं चाहूंगी कि जब तक मैं 500 नहीं जीतूंगी तब तक मैं खेलती रहूंगी। और मुझे यकीन है कि अगर आप ऐसी खेलते रहोगे तो 500 रुपये तो जरूर जीत जाओगे, मुझे यकीन है। हालांकि होता है तो हो जाएगा आपका थोड़ा, अगर 2-4 बार खेलोगे, मान लो एक बार और हार जाओगे, और आपको खेलने का कोई लिमिटेशन नहीं है, आप 500 रुपये जीतते रह सकते हो। मैं उसके लिए तैयार हूँ। और कोई भी विद्यार्थी अगर वो चाहता है, गट्स है चैलेंज लेने में, क्या जा रहा है तुम्हारा, जा तो नहीं रहा कुछ, आई मिल रहा है, मिल ही रहा है। अगर 5 बार खेलोगे एक बार क्या पता जीत जाओ। एक्सेप्ट द चैलेंज, एक्सेप्ट द चैलेंज, बिल्कुल। थैंक यू, ऑल द बेस्ट आप सबका। आप भी कुछ बोलो। हमारे जो विद्यार्थी है उसको बहुत बहुत मेरी ओर से बधाई, मेरे पूरे डिपार्टमेंट की ओर से बहुत बहुत शुभकामनाएं। और जो ये हमारी छात्रा है मैमा, ये पढ़ने में बड़ी होशियार है, टैलेंट है, प्रत्येक चीज़ को समझती है, लॉजिक भी अच्छा है, और अपनत्व की भावना भी अच्छी है, और जो है भ्रातृत्व प्रेम की भावना इसमें कूट कूट कर भरी हुई है। और इसने अभी हमारे एरो डिपार्टमेंट डॉक्टर जो है इकबाल जी ने कुछ क्वेश्चन बनाए, कुछ गेम क्वेश्चनों का गेम रचा, और उस गेम को इस प्रिय विद्यार्थी ने क्रैक कर दिया। और क्रैक करने का इसका श्रेय सबसे पहले ये है कि ये सोशल सब्जेक्ट में टैलेंटेड तो है ही, लेकिन इसको जो है जिसको हम ओवरऑल सामान्य नॉलेज बोलते हैं वो बड़ा उच्च स्तर का है। एक तो निम्न स्तर का होता है, एक मध्य स्तर का होता है, इसका उच्च स्तर का है। और मैं पूरी आशा है, विश्वास है, ये लड़की हमारे पद तक आ जाएगी। और मैं जो है इस लड़की की मेरे ऊपर सदा ही आशीर्वाद बना रहता है, और बीच बीच में बताता रहता हूँ। और जो है इसने जो ये गेम क्रिएट किया ये बहुत अच्छे ढंग से किया, लगी रहती है अपना उसमें, जीके में भी लगी रहती है, अपने सब्जेक्ट में भी लगी रहती है, ऑलराउंडर है ये बालिका। तो अपने इन्हीं विचारों के साथ मैं महिमा को पुनः हार्दिक बधाई शुभकामनाएं देता हूं, और ये अपने जीवन में एक अच्छा ब्रिज का जब चलने में एक अच्छा ब्रिज बनाएगी, और उस ब्रिज को भी क्रैक क्रैक करके क्लास 1 ऑप्शन में छा जाएगी। तो इसी विचारों के साथ मैं महिमा को बहुत बहुत धन्यवाद एवं शुभकामनाएं प्रेषित करता हूं।